बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है। कृषि ही ग्रामीणों का जीविका का मुख्य साधन है। उसी में बक्सर जिला, जो गंगा नदी के तट पर बसा है, और इस जिले में कृषि ही एक मुख्य व्यवसाय है। यही कृषि कार्य करके काफी लोग आगे निकल गए हैं। उसी में एक किसान है बक्सर जिला के राजपुर प्रखंड के उदय नारायण राय, जिन्होंने अपने 10 एकड़ जमीन पर समेकित खेती कर अपनी एक अलग पहचान बना लिया है। उदय नारायण जी 10 एकड़ में से 3 एकड़ में तालाब का निर्माण कर मछली पालन किया करते हैं, जिससे सालाना 1,50,000 रुपए का मुनाफा होता है। मेरे यहाँ चार तालाब मछली पालन का, मेरे यहाँ चार तालाब है, एक एकड़ का है, बाकी 10-10 कट्ठा का 3 तालाब है, टोटल 4 तालाब मेरे पास है मछली पालन का। मछली में फायदा ही फायदा है, मछली से वहाँ सालाना 1,00,000 से 1.5 लाख रुपया। उसी प्रकार 15 पशु भी इनकी सफलता में 4 चांद लगा रखे हैं। सिर्फ दूध से ही 20,000 रुपए का फायदा हो रहा है। और गोबर का इस्तेमाल उदय जी वर्मी कंपोस्ट उत्पादन के लिए किया करते हैं। पशुपालन हमको करना इसलिए जरूरी है कि रॉ मटेरियल हमको वर्मी कंपोस्ट के लिए चाहिए। अभी मेरे 15 गाय है, दोनों टाइम मिलकर 25-40 लीटर दूध निकलता है। बहुत लोग, सब गाय तो एक साथ दूध देती नहीं है, कुछ बच्चा देने वाली होती है, कुछ दूध दे रही है, महीना में 20,000-25,000 रुपया दूध से फायदा होता है। इन्होंने वर्मी कंपोस्ट उत्पादन हेतु 400 बेड बना रखा है, जिससे 3,000 मैट्रिक टन का उत्पादन किया करते हैं, जिसमें 40% गोबर और 60% पुआल और अन्य खर पतवार का इस्तेमाल किया करते हैं। उदय जी गेहूं की खेती 0 टीलेज से 5 एकड़ में किया करते हैं, वो भी पूरी तरह से जैविक विधि से, जिससे इनका उत्पादन लगभग 15 क्विंटल होता है। 0 टीलेज में है कम जुताई, कम पानी लाग और कम बीज दिया जाता है, और उपज अधिक होता है। पानी कम, जब भी पटवन करते हैं हम लोग, पानी 50% देना पड़ता है अधिक जुताई की अपेक्षा, और पैदावार इससे ज्यादा, पहले वाले बुआई से इससे ज़्यादा पैदावार हम लोग प्राप्त करते हैं। नहीं, एक बीघा में हम लोग 25-30 किलो देते हैं, और 10-12 क्विंटल उपज हम लोगों को, 14 क्विंटल भी किसी का होता है, 10-14 के बीच में उपज प्राप्त होता है। इसी प्रकार इन्होंने 2 पॉली हाउस का निर्माण भी कर रखा है। एक पॉली हाउस में फूल जलवेरा की खेती, वहीं दूसरे पॉली हाउस में सीजनली सब्जी की खेती भी किया करते हैं। जी, मेरे यहाँ 1,000 स्क्वायर मीटर का 2 पॉली हाउस भी है। एक पॉली हाउस में सब्जी का खेती करते हैं और एक पॉली हाउस में फूल का खेती करते हैं। फूल में मेरे यहाँ जरबेरा का खेती एक बार लगाया, 4-5 साल तक चला। अब इस साल फिर नया लगाने जाएंगे, दिसंबर में फिर नया प्लांट लगाएंगे। 3,500 से 4,000 स्क्वायर मीटर में 3,000 से 3,500 फूल निकलता है प्रतिदिन। एक फूल का कीमत 5 रुपया प्रति पीस है। सब्जी की खेती बिल्कुल ही जैविक तकनीक से किया करते हैं। जैविक से, वर्मी कंपोस्ट से सब्जी का खेती फायदेमंद है, इसलिए कि इस साल हम करके पिछले साल भंटा का खेती किए थे 10 कट्ठा में। प्रत्येक भंटा 1 किलो से 1.5 किलो वजन का प्रत्येक भंटा हो रहा था। सब्जी का करेला है, भिंडी है, किया इस साल किया भी गया है, उसका प्रोडक्शन शुरू हो गया, निकलना शुरू हो गया है। जैविक से रोग, जैविक और हम जो इसका दवा भी देते हैं, हम जैविक ही दवा देते हैं, गोमूत्र से दवा बनाकर वहीं जैविक यूज करते हैं हम। कोई ना पेप्टिसाइड जो नहीं, इनऑर्गेनिक नहीं करते हैं खाद, और कोई दवा भी नहीं देते हैं। इनके सफलता के पीछे आत्मा और कृषि विभाग का अहम योगदान है, जो समय समय पर प्रशिक्षण के साथ साथ अनुदान भी दिया करता है।